Hi friends, this is the third lecture of lesson 2 in Institution of Democracy of chapter of class 7. In this lecture we are studying about the party symbol. Symbol ka matlab hota hai chinh. In a symbol kya hai, what is symbol? तो सिंबल में बहुत से सारे आइडिया वगैरह जो है फिक्स किए जाते हैं, और प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के पास जो है एक अपना सिंबल होता है, जो सिंबल आपको इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा उसको प्रोवाइड किया जाता है. यानी ईच पॉलिटिकल पार्टी है द सिंबल अप्रूव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये सिंबल अप्रूव किए जाते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, जिसको हम पार्टी सिंबल कहेंगे. और यह सिंबल जो है उस पार्टी के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, और उस सिंबल के आधार पर हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि कौन सी पार्टियां हैं. बिकॉज द सिंबल हेल्प्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पार्टी इवन बाय पीपल्स वी कैन आइदर रीड और नो राइट. यानी जो पर्सन पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, वे जो है उस सिंबल के आधार पे आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि ये कौन सा पार्टी है, जिसको हम लोग पार्टी सिंबल कहते हैं. क्योंकि इसके आधार पे कोई भी पार्टी के बीच में कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होता है, लोग जो है आइडेंटिफिकेशन करने में कन्फ्यूजन नहीं करते हैं, इसलिए ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको पोलिटिकल पार्टी कहेंगे. ऐसे मान लीजिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल होता है, जिसको हम लोटस कहते हैं, लोटस कमल का फूल. उसके बाद कांग्रेस का जो सिंबल होता है, जिसको हम लोग कहेंगे हैंड जो होता है कांग्रेस का सिंबल होता है, लोटा जो है भारतीय जनता पार्टी का सिंबल. ये सिंबल किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है गिवन बाय इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये आपको दिए गए हैं पार्टी, इसलिए इसको हम लोग पार्टी सिंबल के नाम से जानते हैं. अब एक इस पार्टी सिंबल का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टी सिंबल का क्या क्या इम्पोर्टेंस है. ये द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी is to provide choice to the people for selecting their representative. यानी पीपल्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव को elect करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, जो इस सिंबल के आधार पर लोग जो है अपने political representative को elect कर सकते हैं. Second है कि political party help in shaping public opinion. यानी पब्लिक ओपिनियन के हेल्प में हेल्प करते हैं, उसके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत से सारे पोस्टर जो है आपको लगाए जाते हैं, उसके बाद उसके आधार पर रिप्रेजेंटेटिव जो है स्पीचेज वगैरह देते हैं, इसलिए कि पब्लिक को कैसे मोटिवेशन किया जाए, उस मोटिवेशन को देने के लिए जो है ये बहुत सारे स्पीचेज प्रोवाइड किया जाता है. तो ये भी एक सिंबल का इम्पोर्टेंस माना जाता है. और नेक्स्ट है, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वह किसी एक जगह यूनाइटेड होकर सोसाइटी के किसी एक सेक्शन में, और वहां पर जो है एक मेंबर को ड्रॉ करती है, जो सभी सेक्शंस को ड्रॉ देख सकता है, सभी सेक्शंस को जो है हैंडल कर सकता है, उसके लिए पार्टी का सिंबल दिया गया है. और अपोजिशन पार्टी के रूप में गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज होती है उसको क्रिटिसाइज करने का काम जो होती है अपोजिशन पार्टी की मानी जाती है. तो
सिंबल पार्टी के सिंबल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसके आधार पर पीपल जो है उस पार्टी को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। पहचानने का सबसे बेस्ट मेथड जो है वह सिंबल माना जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिजन गवर्नमेंट। कॉलिजन गवर्नमेंट, कॉलिजन गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहेंगे, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है गठबंधन की सरकार। देखिए इसमें होता है कि इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्शन से, हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि इलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच पीपुल रिप्रेजेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय मीन्स ऑफ द चॉइस। अपनी चॉइस के आधार पर लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन करते हैं, अलेक्ट करते हैं। अलेक्ट होने के बाद वह पार्टी अपना मेजोरिटी प्रूव करती है पार्लियामेंट में। मेजोरिटी प्रूव होने के बाद वह अपना गवर्नमेंट जो है बनाती है, वहाँ पे अपनी सरकार वगैरह बनाती है। लेकिन मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि अगर कोई पार्टी अपना मेजोरिटी अगर प्रूव नहीं कर पाता है, वो अपना मेजोरिटी अगर प्रूव नहीं किया, तो उसके आधार पर वहाँ पर दो पार्टियाँ एक साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाती है। दो या दो से ज़्यादा पार्टियाँ एक साथ मिलकर अपने गवर्नमेंट्स बना सकती है, तो उस गवर्नमेंट्स को क्या कहा जाएगा, उस गवर्नमेंट्स को कहा जाएगा कॉलिजन गवर्नमेंट। यानी कॉलिजन गवर्नमेंट्स कहता है कि गवर्नमेंट इज फाउंड बाय द एलियंस ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। द गवर्नमेंट व्हिच आर फाउंड बाय द एलियंस ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज इज कॉल्ड कॉलिजन गवर्नमेंट। उसको कॉलिजन गवर्नमेंट्स की कहा जाए, जैसे अभी बिहार स्टेट्स में जो गवर्नमेंट्स चलती है वह कॉलिजन गवर्नमेंट्स कहा जाता है, जो NDA और BJP दोनों का गठबंधन की सरकार मानी जाती है। तो कॉलिजन गवर्नमेंट्स में डिसीजन जो रिगार्डिंग किया जाता है वह इंडिविजुअल पार्टी नहीं कर सकता है, वो इंडिविजुअल पार्टी नहीं कर सकता है। अगर दो पार्टी है तो दोनों पार्टी एक साथ मिलकर तब जो है वो क्या कर सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है या कोई भी बिल वगैरह पास कर सकता है। तो कॉलिजन गवर्नमेंट जो है एक कॉमन गवर्नमेंट्स कहे जाते हैं, एक वैसे फिनोमिनन होती है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में लागू किया जा सकता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों जगह इसको लागू किया जा सकता है। तो ये हुआ जिसको हम लोग कॉलिजन गवर्नमेंट कहेंगे। ये कॉलिजन गवर्नमेंट जो था इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक माना जाता है। स्टूडेंट्स आज हम लोग इस लेक्चर में चैप्टर सेकंड के बारे में टोटल स्टडी किए, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा नेक्स्ट क्लिप उसमें इस चैप्टर के कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जैसे बहुत से सारे चैप्टर में हमने दे रहा है, चैप्टर वन में भी आपको असाइनमेंट्स दिए, ठीक है। तो उस असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं प्लीज़ कंप्लीट दिस क्वेश्चन, और हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जस्ट कंसल्ट टू मी माई न्यू चैनल ऑन YouTube। थैंक यू, दैट्स ऑल।